भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ ये जब मैं बुआ के घर जा रही थी मुंडन में, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो मैं आज ये शाम को ही वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, अभी शाम को ही अपलोड कर दूँगी। तो हो सकता है मैं बहुत हफ रही हूँ ना, ये ब्लॉग आज शाम ही को जाएगा। हो सकता है कि मैं अब डबल डबल ब्लॉग, यानी कि सुबह या शाम को मैं एक दिन में दो दो ब्लॉग डालना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। उसके लिए गाइस प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे इस टाइम पर हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। वरना मैं नहीं कहती हूँ, इतने सालों से या एक साल से या अभी इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी लाइफ में, मैंने कभी भी नहीं बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इनका का एडमिशन करवाना है। तो मुझे मेरी सैलरी नहीं आई है और कहीं से भी मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे मैं निका की फ़ीस जमा कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी इतनी, मैं और कोई हेल्प नहीं मांग रही, बस मैं इतना बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को फुल वॉच करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऐड फुल देखो, इससे मेरी सेकेंड वाली भी सैलरी आ जाए। मेरी सैलरी हर मंथ आती रहे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। प्लीज़ गाइस, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आप लोगों से, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मुझे इस टाइम पे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ अपना साथ बनाए रखो, क्योंकि मैं अनिका को उस जल्दी से एडमिशन उसका करा सकूं और वो स्कूल जा सके। बस इस यही कहना था आप लोगों से, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और समझो मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे बुआ जी के वहाँ जाने के बाद, हम अभी मुंडन हो नहीं रहा था तो मैं भाई के साथ में, मेरी बुआ जी का लड़का है तो मैं उसके साथ में टहल रही थी इधर खेतों में। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, तो आप लोग भी सुनिए। और ये वाला मेरा पुराना खेत है जिसको देखने अभी अभी हम आए हैं, है ना? और वो देखिए, हमारे नौकर लगा रखा है, मेहनत कर रहे वो नौकर मेरा मेहनत कर रहा है। वाह छोटू, वाह, इतने तुम लंबे हो कि मेरे वीडियो में भी ना आ रहे, पता ना गर्दन आ रही कि ना आ रही। उधर देखो कितनी बड़ी, तुम्हारी लंबाई का फायदा ना उठा पा रहे हो। इसके अंदर जाना पड़ जाएगा। हाँ वो हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी भाई के साथ में, और यहाँ पे हम लोग कच्चे आम तोड़ रहे थे और भाई तोड़ा था, बहुत ही खट्टे वाले थे, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब मतलब करके ना बचपन की याद आ ही जाती है। किस किस को आई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग काफ़ी अच्छा है तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। और ये लगा है गेहूँ का खेत, गेहूँ कटने वाले हैं क्योंकि एकदम से सूख चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने शूट करा है। तो प्लीज फुल वॉच करना, अब होने जा रहा है मुंडन। यहाँ पे हो रहा था छनछन का मुंडन, और छनछन रो रही थी, उसके बाल निकल रहे थे। तो और अनिका बैठी हुई देख रही थी और उसको हल्का सा लग गया था, तो ब्लड भी शायद आ गया था, तभी वो रो रही थी। और जब अनिका का मुंडन हुआ था ना, तो अनिका भी बहुत रोई थी अपने मुंडन में, जब उसके भी बाल निकल रहे थे। ये देखो अनिका मैडम बैठी देख रही हैं और उस छनछन से कह रही है मत रो, जैसे कि बहुत, अब खुद तो रोई नहीं थी, इस तरीके से समझाती हैं। कभी कभी तो इतनी नानी बन जाती हैं, क्या बोलूँ मैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं अनिका। तो मैंने जो आप लोगों से बोला है, तो प्लीज़ गाइस मेरा सपोर्ट कीजिए, और ताकि मुझ मेरी सैलरी आती रहे तो मैं कम से कम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकूं। बस मैं यही चाह रही हूं आप लोगों से, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ऐड देखोगे तो मुझे जल्दी से सैलरी मेरी आ जाएगी, मेरा डॉलर बनेगा, क्योंकि मेरा डॉलर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो प्लीज़ गाइस समझिए मेरी प्रॉब्लम को।
तो यहाँ पे छनछन का मुंडन हो गया है मन, और अब छनछन और अब हम लोग यहाँ पे बट रहे थे, लड्डू बटेंगे और सभी लोग लेंगे। मेरा तो फर्स्ट था तो मैं तो खा भी नहीं सकती थी, हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि व्रत में ना बहुत ही धूप में बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैंने छनछन को कुछ भी नहीं दिया, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं दे पाई बिटिया को। और पिछली बार जब काव्या का हुआ था बड़ी वाली का, तो बाबू लेके हर एक चीज़ गए थे और इस बार मैं कुछ नहीं दे पाई। तो समय समय की बात होती है, तो इस टाइम पे मेरा समय नहीं था तो मैं नहीं दे पाई। तो यहाँ पे बुआ जी निकाल रही हैं लड्डू, अभी सभी को देंगी। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे छनछन के मामा छनछन को गोदी ले रखे हैं और गन्नू है, और तो गन्नू को जलन हो रही थी कि छनछन को लिया है तो पापा मुझे भी लो, तो दोनों लोगों को ले रखा है। फिर अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल घर। तो अनिका, काव्या और उसके मामा और छनछन तीनों लोग बाइक से जाएंगे क्योंकि थोड़ा दूर पे है तो बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे थे, और हम मम्मी दोनों लोग बातें करते हुए घर तक पैदल जाएंगे। और बस, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी मुंडन कराने के बाद, शाम हो गया था, हम लोग यहाँ से रात में निकले हैं और सभी लोग छत पे बैठे बातें कर रहे थे, और जैसे पहले आया करते थे सेम वही वैसा ही लग रहा था छत पे बैठते थे। पर पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया है, घर भी चेंज हो गया है और सब कुछ चेंज हो गया। ये दीदी का लड़का है और वो बुआ, तो ये छोटू है बुआ के लड़के। तो मूवी देखिए आप लोग, इसी तरह माथे से लगाता हूँ, फिर होठों से इज्जत देता हूँ। तुम में भी एक महाभारत है, तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है। तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सहयोग करना पड़ा। फिर रात में चलने लगा था, पर्दा बोलते हैं इसे, सभी जानते ही होंगे। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो नैन्सी बाय कर रही है, सभी लोग बाहर तक छोड़ने आए थे, मन नहीं कर रहा था आने का, बहुत अच्छा लग रहा था, पर्दा चल रहा था तो मेरा भी मन कर रहा था देखने का। तो गाइस प्लीज़ बताइएगा कि कौन सी मूवी चल रही थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग आ गए घर, रात में 9:30 बजे पहुँचे हैं। तो फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।